गरियाबंद पहुंचे नौपदस्थ आईजी आरिफ शेख ने पत्रकार वार्ता में कहा, सभी थाना प्रभारियों को चक्का जाम करने एवं पुतला दहन के दौरान होने वाली घटनाओं पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने जल्द नक्सल गतिविधियों पर कड़ाई से रोक लगाते हुए गरियाबंद जिले को नक्सल मुक्त जिला करने के लिए अभियान चलाने की बात कही। आगे उन्होंने कहा, बिंद्रा नवागढ़ में जल्द चौकी के स्थान पर थाना खोला जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान आईजी ने कहा कि 2009 में गरियाबंद एसपी रहते हुए जिन स्थानों का चयन विभिन्न स्थानों को मैंने चौकी प्रस्तावित किया था, आज सभी जगह थाना एवं कैंप खुल चुके हैं, जिससे नक्सल गतिविधियों पर लगाम लग रही है। उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए मेरा प्रयास होगा कि 3 साल से अधिक एक जिले में रहने वाले पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को दूसरे जिलों में बदला जाए एवं नए प्रभारी भेजे जाएंगे, तथा यह भी प्रयास होगा कि गरियाबंद में एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशन के रूप में भी नियुक्त किया जाए। स्वर्गीय पत्रकार उमेश राजपूत की हत्या के बाद उनके भाई परमेश्वर राजपूत को मिलने वाली धमकियों पर उन्होंने कहा कि इस पर कड़ाई और सख्त से जांच की जा रही है। धमकी की हैंडराइटिंग का मिलान कई संदिग्धों से किया जा रहा है। सर, नक्सल मोर्चे पर क्या कोई नई रणनीतिक जरूरत है? देखिए, 2009 में मैं पदस्थ था यहाँ पे, और उसके बाद अभी 2022 में यहाँ पे आया हूँ, तो तब में और अब में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पुलिस यहाँ पे काफ़ी आगे तक पहुँच चुकी है और मुझे लगता है कि हम लोग फाइनल स्टेज में हैं, और बिल्कुल गरियाबंद जो है इसमें अच्छे से ऑपरेशन अगर हम चलाएंगे तो निश्चित तौर पर गरियाबंद को नक्सल मुक्त किया जा सकता है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के लिए मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में एकदम अलर्ट रहना है, और कोई भी परिस्थिति में चक्का जाम या बाकी के जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो संबंधित के ऊपर बहुत ही कठोर कार्रवाई करें, इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ख़ास करके पुलिस के ऊपर अगर कोई अपराध करता है, उनके ऊपर मारपीट वगैरह टाइप का कुछ करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करें, तत्काल उनको गिरफ्तार करें, इसके निर्देश दिए गए हैं। साथ में थाना प्रभारियों को भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्राइम डिटेक्शन के ऊपर खासा फोकस रखें, जनता के साथ मधुर व्यवहार करें, और कोई भी अवैध तरीके से जो भी होता है उसमें संलिप्तता उनकी ना रहे। अगर ऐसे होता है तो उनके ऊपर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करें।